How challenging was it for you to make a comeback from muscle strain? जी. What aspect of the throwing are you aiming to work on between now and World Championship? नहीं बिल्कुल माइंड में तो सही बात बताऊं तो कहीं ना कहीं इंजरी का ही था, क्योंकि एक वो बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क था माइंड में कि मैं 100% पुश कर सकता हूं कि नहीं, क्योंकि ट्रेनिंग में मैंने 2 सेशन किए थे इससे पहले, तो वहां पे तो ठीक लग रहा था, पर फिर भी जब हम 100% जाते हैं कंपटीशन में तो कहीं ना कहीं माइंड में आ जाता है कि यार, और वेदर का भाई मैं बता रहा था कि थोड़ी ठंड हो गई थी, बारिश हो गई थी पहले कंपटीशन से, तो माइंड में वही था कि बार बार कि मैं पूरा अपने आप को पुश कर सकता हूँ कि नहीं, तो वो 2-3 थ्रो तक 3-4 थ्रो तक मैं करता रहा कोशिश, और वो माइंड में कहीं ना कहीं वो बैरियर बना रहा, फिर मुझे थोड़ा सा लगा कि हाँ मैं कर सकता हूँ पुश, तो फिर मैंने और अपना अच्छे से फोकस करके और फिर अपना और अच्छे से वार्म करके एक्सरसाइज वगैरह करके, तो पहले मतलब कोशिश तो पहले भी करा, लेकिन 5th थ्रो के आसपास मैंने फिर अपनी थोड़ी स्पीड बढ़ाई, कोच के पास गया था, कोच ने भी बोला कि थोड़ा स्पीड अप करो क्योंकि मैं काफी स्लो रन में ले रहा था, तो स्पीड बढ़ाई तो उसके हिसाब से फिर थ्रो में भी काफी वो इम्प्रूवमेंट आई, बस वही थोड़ा वेदर का और उसका चैलेंज था, थोड़ा इंजरी का माइंड में था, बाकी तो यही है कि डायमंड लीग का तो मैं बताना चाहूंगा कि डायमंड लीग के हमें काफी कॉम्पिटिशन मिलते हैं कम्पीट करने के लिए साल में, और ये पॉइंट्स जुड़ते हैं इससे, क्योंकि यहाँ पे पॉइंट मिलने थे तो हमें पॉइंट मिले हैं, लोजान में पॉइंट मिले हैं, तो हमको मेन फाइनल में जाना होता है इनसे, जो फाइनल इस बार यूजीन में है, तो उसके लिए पॉइंट चाहिए, सबसे मेन कॉम्पिटिशन डायमंड लीग का वहां पे रहता है, जहाँ पे फाइनल डायमंड लीग होता है, सभी का फाइनल मुकाबला वहां पे होता है, बाकी हाँ अगर यही जगह मैं वर्ल्ड चैंपियनशिप में होता या एशियन गेम्स या दूसरी जगह पे होता तो शायद से मैं और ज्यादा अपने आप को पुश करता, यहाँ पे मैं टाइम ले रहा था कि कब मुझे अच्छा लगेगा और कब मैं अपना ज्यादा एफर्ट लगा पाऊंगा, और कंपटीशन का ऐसा है जी, अभी तो सबसे मेन वर्ल्ड चैंपियनशिप है, उससे पहले बीच में अगर हमको लगा, कोच को लगा, फिजियो को कि भाई पूरा हम कर सकते हैं अभी 100% पुश खुद को, तो उससे पहले कोई कंपटीशन हम देख लेंगे कि कंपीट कर सकते हैं कि नहीं, लेकिन फिलहाल अभी वही है कि वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए पूरी प्रिपरेशन 100% बिल्कुल फिट होकर करनी है।